वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय। सो आखिरकार एक इंतजार के बाद आज लगभग 6 बजे शाम को ESICC UGC मेंस फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो इस वीडियो में हम इस रिजल्ट के मुख्य बिंदु पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो मेन्स रिजल्ट महाराष्ट्र का और भारत के अन्य जो प्रदेशों का है, विल इट कम टूगेदर और दे विल बी सेपरेट रिजल्ट्स, मीन्स पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा या पहले, ये सारी बातों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। तो ये इसकी जो लिंक है नोटिस की और रिजल्ट्स की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, या जिन्होंने नहीं देखा है वो वेबसाइट पर जाकर भी esic.nic.in रिक्रूटमेंट टैब के अंदर देख सकते हैं। साथ में एक चीज ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही कोई रिजल्ट आता है तो हमारे जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, आप हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पर जरूर देख सकते हैं जाके, वहां पर आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि वीडियो के द्वारा आपके साथ वार्तालाप करें, तो समटाइम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम हम किसी और चीज में बिजी रहते हैं, तो हम उसे कम्युनिटी टैब में जरूर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक एट द कट ऑफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है नोटिस में कि रिजल्ट ऑफ फेज 2 मेन एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ UDC 2019 फॉर महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। द फेज 2 मेन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ UDC वाज हेल्ड ऑन 1st सितंबर 2019। द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 कंप्यूटर स्किल टेस्ट CST फॉर द पोस्ट ऑफ UDC फॉर ऑल रीजंस एक्सेप्ट महाराष्ट्र हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। बिल्कुल सही बात, एंड वाइड रिजल्ट नोटिस डेटेड सेंस। सो द रिजल्ट ऑफ महाराष्ट्र रीजन वाज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यू टू एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि जैसे ही परिणाम आया असेंबली इलेक्शंस का ये समाप्त हो गया। फॉर महाराष्ट्र अ टोटल ऑफ 1851 कैंडिडेट्स, ये ध्यान रखिएगा डेटा, 1851 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ UDC ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फेज 2 मेन मार्क्स एग्जाम हेल्ड ऑन 1st सितंबर 2019। ये तो पूरे इंडिया में सभी का एक साथ हुआ था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिए 35% रखा है इन्होंने SC ST के लिए, OBC के लिए 45, UR UEW के लिए 45, PWD के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहां तक तो हमने देख लिया है, ठीक है, टिल हियर। नाउ द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ UDC फॉर महाराष्ट्र रीजन इज एज अंडर। UR 121, SC 108.5, ST 92, OBC 111। यहां पर देखिए अगर SC का आशा से थोड़ा सा ज्यादा चला गया, OBC का आशा से थोड़ा कम, UR की इतनी संभावना थी, EWS थोड़ा सा कम, PWD A 81.5, PWD B 61.25, PWD C 88 and PWD ND 65.5, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे ये 61.25 क्योंकि यहां पर जो मिनिमम है वो है 60 एंड एक्स सर्विसमैन की 78। ओके, द फेज 3 मेन यहां पर ये मुद्दा था। द फेज 3 देखिए जो बाकी स्टेट्स थे उनके लिए भी फेज 3 के लिए उनको 25-30 दिन का टाइम मिला था, यहाँ भी वो टाइम इन्होंने दिया है 4 तारीख और 1st दिसंबर, यानी लगभग आपके पास 26 दिन का टाइम है। 1st दिसंबर को संडे है, वहां पर आपका फेज 3 होगा, ठीक है। तो इसमें फेज 3 में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डेटा है अभी जो बाकी स्थानों पर हुए हैं फेज 3, वो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब बाकी जो स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट्स का क्या, फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। दिस इज द मेन क्वेश्चन, ये आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि फाइनल रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं बाकी स्टेट्स के। तो कमेंट सेक्शन में जो हम देख रहे थे तो उसमें लिखे थे कि अब शायद बहुत लोग लिख रहे थे कि अब शायद सभी का रिजल्ट दिसंबर 15-20 के बाद आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे अनुसार, ठीक है, हम एक बार फिर दोहराते हैं, इट इज अप एज पर आवर एनालिसिस वी आर ऑफ द ओपिनियन डेट फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट महाराष्ट्र, सभी स्टेट्स के सभी रीजन के रिजल्ट सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट को छोड़कर वो आपके पास 22 नवंबर 2019, बहुत पहले से हम 18 से 22 का एक विंडो कह रहे हैं और फिर से हम एक बार दोहराते हैं कि अब जो है महाराष्ट्र और बाकी सारे स्टेट्स का एक साथ आने के बहुत कम चांसेस हैं और बहुत चांसेस हैं कि बाकी सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स पहले आ जाएं और महाराष्ट्र का अलग से बाद में आए। तो क्योंकि इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है और ज्वाइनिंग जो है किसी हालात में दिसंबर या जनवरी में होनी ही है,
ठीक है, तो आज हो गई 4 तारीख, तो हो सकता है इस थर्सडे फ्राइडे से लेकर के 8-9 तारीख से सुबगाहट शुरू हो जाएगी और 22 से पहले पहले ये रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 8 को आ जाए, 9 को, 10 को, 11 को, कभी भी आए, लेकिन 22 से पहले ये रिजल्ट आ जाएगा। हम शुरू से कह रहे हैं और अभी भी हम इस बात पे अडिग हैं कि हमारे एनालिसिस के अनुसार बाकी प्रदेशों का रिजल्ट जो है, इट शुड कम बिफोर 22 नवंबर 2019। महाराष्ट्र का रिजल्ट कब तक आ सकता है वो भी देख लेते हैं। जो महाराष्ट्र का फाइनल रिजल्ट है वो 1 तारीख को उनका सीपीटी होगा, और हमारे अनुसार जो महाराष्ट्र स्टेट का फाइनल रिजल्ट है, इट कैन कम एनी टाइम बिटवीन ऑन और बिफोर 13-12-2019। 10-12 दिन, 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेंगे, ठीक है, 1-2 दिन मान लीजिए और 15 तक रख लीजिए, ठीक है, उससे पहले पहले ये रिजल्ट निकाल देंगे। उसके बाद कुछ टाइम देंगे आपको ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, और जनवरी में तो सारे स्टेट की ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी, ठीक है। अगर दिसंबर में 1-2 स्टेट्स की, ये एक बार फिर बताते हैं कि जो ज्वाइनिंग होगी आपकी, दैट विल बी स्टेट वाइज, ठीक है। इसमें दिल्ली की ज्वाइनिंग मान लीजिए पहले आ गई, कर्नाटक की बात आ गई, ठीक है, इट मे हैपन, सो ज्वाइनिंग विल बी स्टेट वाइज, ठीक है, बिकॉज इट्स स्टेट वाइज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमारा अभी भी ये मानना है कि आज 4 तारीख हो गया, 5 नहीं 6 नहीं 7, 7-8 से लेकर के और 22 के बीच कभी भी बाकी स्टेट का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। तो ये तो रही इस रिजल्ट की बात और इसका विश्लेषण। और एक छोटी सी बात आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि एसआईसी एसएसओ 2018, हाँ ये भी बता दें कि इसमें भी वेटलिस्ट आएगी, तो उसके लिए घबराइए मत आप, ठीक है, पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम उस पर वेटलिस्ट पे जरूर बात करेंगे। लेकिन कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि वेटलिस्ट आएगी कि नहीं, तो जरूर वेटलिस्ट आएगी, कब आएगी कैसी आएगी वो बाद में वीडियो में हम वी विल डिस्कस। हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो ईएसआईसी एसएसओ 2018 का वेट लिस्ट की, तो उसमें पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, लगभग लगभग उसमें 75+ नाम, ठीक है, ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज 75+ नाम है, तो वो वेट लिस्ट शायद जारी नहीं होगी और लोगों को जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया है या जाएगा जल्द ही। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अगर आप में से किसी को ये वेटिंग लेटर जो है वो आता है, तो जरूर हमारा ये प्रश्न है यहाँ पर कि हैज एनीवन रिसीव्ड द अपॉइंटमेंट लेटर, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिए, तो बाकी जो लोग हैं उनका भी मोरल जो है वो अप हो जाएगा कि हाँ वेटिंग लिस्ट, इसमें लिस्ट भले ही वो वेबसाइट पे पब्लिश ना करे, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और ऐसा ही शायद वो करेंगे ईएसआईसी यूडीसी 2019 में भी, लिस्ट पब्लिश करें या ना करें, लेकिन जो वेट लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको जरूर वो कॉल करेंगे अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू। क्योंकि देख लीजिए पैरेलली कई रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट, आरआरबी, आरबीआई ग्रेड बी, आरआरबी पीओ, ईएसआईसी, ईपीएफओ असिस्टेंट, ईपीएफओ एसएसएफ, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं इसके कि कुछ लोग जरूर इसे ज्वाइन ना करें या छोड़ के जाएं, या अगर उनका ईपीएफओ असिस्टेंट में हो जाता है ऑब्वियसली वो उसको प्रेफर करेंगे, अगर उनका आरबीआई ग्रेड बी में हो जाता है ऑब्वियसली वो उनको प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर भी, तो किसी को अगर ये रिसीव हुआ है तो काइंडली शेयर इट विद अस इन द अपॉइंटमेंट लेटर, मत शेयर कीजिए, बस ये शेयर कर दीजिए कि या यस आई हैव रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। और शायद हमारी जानकारी के अनुसार 30 नवंबर या 1 दिसंबर तक जो भी वेटलिस्ट कैंडिडेट्स हैं ईएसआईसी एसएसओ 2018, उनको वेट करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर एक चीज फिर से एक बार दोहरा दें, आप ध्यान रखिएगा कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बहुत कम टाइम होगा उसके बाद ज्वाइनिंग में, तो ज्वाइनिंग में जो ईएसआईसी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो करते हैं, सपोज करिए आपको आ जाएगा कि बाय 31 दिसंबर यू हैव टू ज्वाइन, तो बाय मतलब क्या हुआ कि 31 दिसंबर से पहले, सपोज करिए आपको 10th को आ गया अपॉइंटमेंट लेटर, तो आप 11th को भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12th को भी, 13th को भी, मतलब बाय, बहुत सारे में क्या होता है यू हैव टू ज्वाइन ऑन, एंड इन सम ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव टू ज्वाइन बाय, बाय मतलब आप 31 से पहले कभी भी, और ऑन मतलब सिर्फ उसी दिन आपको ज्वाइन करना है, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें थी, और बाकी कुछ आपके सवाल हो इसे रिलेटेड तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आपने बहुत सराहा जो ईपीएफओ एसएसए और असिस्टेंट के लिए जो हमने तीन हमारी टीम ने बनाए हैं वीडियोस जनरल अवेयरनेस के, तो वो भी हम आज रात तक या कल सुबह तक आपके सामने लेके आएंगे। इसके बाद कुछ एक्स सर्विसमैन हमारे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स हैं, वो बोल रहे थे एसबीआई की जो पे स्लिप है वो एक एक्स सर्विसमैन की, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके पास एक मतलब आज ही कोशिश करेंगे या तो कल शाम तक जरूर आ जाएगी। और आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही है कि जो ईपीएफओ असिस्टेंट और एसएसए के लिए जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें।
तो ये सारी चीजें थी, और बाकी कुछ और रिजल्ट्स हैं उसके बारे में अगर टेक्निकल टीम तैयारी करती है तो वो भी आज या कल में हम आपके सामने, जैसे नाबार्ड कब तक आ सकता है, एफसीआई के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है तो उसके बारे में क्या अपडेट है, तो वो भी हम अगर मौका मिलता है तो वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी रिजल्ट, शेयर जरूर कीजिए किनका किनका हुआ है और कितने एक्सपेक्टेड है। देखिए 121 कट ऑफ है तो 1800 लोगों को लिया है, 1:10, तो 1:10 या देख लीजिएगा कितनी वैकेंसीज है महाराष्ट्र में, शायद 325 या कुछ है, तो 1:6 या 1:5 लिया, सॉरी हाँ 1:5 की गई। तो किनका किनका हुआ है वो जरूर शेयर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अप्रोक्सीमेट मार्क्स भी एंटिसिपेटेड कि 100 मेरे 35 आ सकते हैं, मेरे 40 आ सकते हैं, किस कैटेगरी के हैं वो भी जरूर शेयर कीजिए। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा फैमिली ग्रो हो और हमारे टीम मेंबर्स को मोटिवेशन मिले। तो समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का, तो दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।